हरियाणा के खेल मंत्री पर जूनियर महिला कोच द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। ऐसे में इस मामले को लेकर प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों के मामले में मंत्री रहते फेयर जांच नहीं हो सकती। उनके पास इनेलो नेता अभय चौटाला का फोन आया था और पीड़िता उनसे मिलकर अपनी समस्या बताएगी, तभी वो इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड सही तरीके से रख सकेंगे। देखिए, मैंने कहा जांच तो होनी चाहिए, कोई भी हो जांच तो होनी चाहिए, लेकिन मेरे को ये कहा गया, अभय सिंह जी का टेलीफोन आया था कि वो जो पीड़िता है वो मेरे को मिलके बताएगी, तो मैं उसके आगे कदम खोल। तो सर, क्या आप बोल लेते हैं ऐसे में उनको इस्तीफा दे करके फिर जांच में शामिल? देखिए, मैं जब तक जांच की बात मेरी बात ना हो जाए उनसे भी क्या मामला है, जब तक मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है, गंभीर मामला है, तो कुदरती बात है जांच मंत्री के रहते होते जांच फेयर नहीं हो सकती। बता दें कि खेल मंत्री के आरोपों को लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, तो वहीं सिर्फ खेल मंत्री ने ही मामले में सफाई देते हुए सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। ऐसे में प्रतिपक्ष नेता का भी साफ कहना है कि वो पीड़िता से मिले बिना इस मामले में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए फेयर जांच नहीं हो सकती। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जूनियर कोच से मिलने के बाद विपक्ष इस मामले में क्या कदम उठाता है। सत्य खबर के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।